हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस पर। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे और इस घर में मेरी सास जिंदा नहीं थी, सिर्फ मेरी ननद और ससुर ही थे। एक दिन मैं अपने ससुर के कपड़े धो रही थी जब उनकी जेब से एक अजीब सी चीज़ मेरे हाथ में महसूस हुई। वैसे तो मेरी आदत थी कि मैं कपड़ों को चेक कर लेती थी, लेकिन शायद मुझसे गलती हो गई थी। मैंने जल्दी जल्दी उस चीज़ को बाहर निकाला तो वो चीज़ मेरे हाथ से फिसल गई और मैंने मुंह पर हाथ रख लिया। मेरी ननद दूर बैठी थी, उसने भी मेरा चौंकना देख लिया था कि कुछ अजीब हुआ है। वो चलकर मेरे पास आई तो मैंने उस चीज़ पर कपड़ा रख दिया। वो पूछने लगी कि क्या हुआ भाभी, अभी आपने क्या देखा है, क्या मिला है आपको। मैंने कहा तुम्हारे पापा जी की जेब से कोई बड़ी ही अजीब चीज़ निकली है, हद होती है। वैसे ये इस उम्र में किस किस्म की हरकतें करते फिरते हैं, वो भी इस उम्र में। वो कहने लगी ऐसा भी क्या हो गया, बताइए तो सही। मैंने उस चीज़ से कपड़ा हटा दिया, वो एक बड़ा सा गुब्बारा था जिसे देख कर मेरी नंद भी मुँह पर हाथ रखे एक तरफ को सिहर गई थी। मैंने कहा अब बताओ ये उनकी उम्र है ऐसे काम करने की, तो कहने लगी मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे क्या राज है। मैं ये सुनकर हैरान थी। एक बार उससे पूछकर मुझे और जानने की उत्सुकता हुई कि वे मुझे क्या बताएगी। फिर ननन ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैंने अपने कानों पर हाथ लगा लिया। मेरा नाम रिया है और मेरी 3 साल पहले अभी नामक नाम के लड़के से सगाई हो चुकी थी और अभी तक वो लोग विदाई नहीं ले रहे थे। उनके अलग अलग बहाने थे, कभी कहते थे कि हम घर बना रहे हैं, तो कभी कहते कि हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम तैयारियां कर सके। मुझे याद है जब हमारी सगाई हुई थी तो मेरी सास भी जिंदा थी, लेकिन अब तो मेरी सास भी इस दुनिया से जा चुकी थी। सगाई के समय मेरी ननंद भी मौजूद नहीं थी, वो अपनी पढ़ाई के लिए शहर गई हुई थी। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, ऐसा लगता था कि सारी दुनिया के बहाने उन्हीं लोगों के पास ही है। पहले तो झूठे बहाने कर रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं हैं, पहले घर बना ले फिर तेरी शादी करेगी। अगर उनके पास पैसे नहीं थे और उनको शादी ही करनी नहीं थी तो फिर सगाई करने की क्या ज़रूरत थी। मेरी सगाई तो हो गई थी और अभी बुरा लड़का नहीं था, लेकिन इस बीच में मेरे लिए भी रिश्ते आ रहे थे जो मेरे घर वालों को अब ज़्यादा से अच्छे लग रहे थे। मैं अभी भी कहती थी और सोच में पड़ जाती थी कि कहीं हमने जल्दी तो नहीं कर दी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी और मेरी शादी किसी अच्छे घर में भी हो सकती थी, नहीं तो लोग तो वैसे ही थे जैसे हम लोग थे। फिर इस बीच मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई और उनका कहना था कि इतनी जल्दी घर में खुशी कैसे मना सकते हैं जब अभी इतना बड़ा दुख गुजरा है। मतलब मेरी शादी की तारीख बढ़ते बढ़ते इतनी आगे जा चुकी थी कि साल ही गुजर चुके थे। बीच में ननंद का भी लग रहा था कि उसकी पढ़ाई चल रही है, फिर उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो तब शादी करवाएगी, क्योंकि उसकी पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है और वे छुट्टी नहीं कर सकती। खैर अब तो वे भी वापस आ गई थी और घर पर ही होती थी, उसको कोई नौकरी नहीं मिली, घर पर ही रहती थी। उनको भी ज़रूरत थी कि घर पर किसी औरत की ज़रूरत हो। मेरी ननद से सारा कुछ नहीं होता था, उसे तो खाना बनाना भी ठीक से नहीं आता था, लेकिन फिर भी जाने क्यों मुझे घर में लाने से कतरा रहे थे। एक तरफ तो कह रहे थे कि ननद पढ़ाई कर रही है और बड़ी मुश्किल पढ़ाई कर रही है, ऐसा कोर्स कर रही है जो ज़्यादा लोग नहीं करते, लेकिन जब मैंने उसको एक दिन बाज़ार में देखा तो वे मेरे ससुर के साथ ही थी और शक्ल से भी अजीब सी लग रही थी, क्योंकि सगाई में तो ये नहीं थी और उसके बाद ऐसा माहौल बनाकर मेरा उसके साथ कोई आना जाना ही नहीं हुआ। जब मेरी सास इस दुनिया से गई थी तो हम लोग वहाँ पर गए थे, बस एक जगह तब देखा था, तब वो वैसे ही वे दुख में भी थी और तो ठीक से पता ही नहीं चल रहा था कि कैसी है। लेकिन जब उसने मुझे थोड़ी बहुत बात की तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि वे इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की है, वे तो मुझे ऐसी लग रही थी जैसे उसने मुझसे भी कम पढ़ाई की है। मेरी अभी के साथ सगाई हो चुकी थी इसलिए मैं कभी कभी उससे फ़ोन पर कभी कभार बात कर लिया करती थी। उनका कहना था कि मैं तो कब से मरा जा रहा हूँ, तुम्हारी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। मैंने उससे कहा कि मेरे पापा जी कहते हैं कि कुछ भी ना करें, बस 2 लोग ले आए और आकर बेटी को ले जाए, हम बड़ी बेटी को रुख्सत करेंगे तो फिर छोटी की शादी करनी है।
3 साल हो गए हैं सगाई को, अभी तक तो हमारी औलादें भी हो जानी थी। ये अच्छी बात नहीं है, अपने घर वालों को समझाओ कब तक मैं बैठी रहूँगी। तुम मुझसे सगाई कर चुके हो और मुझे मेरे घर में बिठाकर ही बूढ़ा कर दोगे क्या? हम लोगों को एक दूसरे से 2 महीने में ही मोहब्बत हो गई थी और उसके बाद हमने ये साल किस तरह काटे थे ये तो हम दोनों ही जानते थे। बीच में कई दफ़ा ऐसा हुआ कि शादी की तारीख रखने की बात हुई, लेकिन फिर बात खटाई में पड़ गई। अब तो ज़्यादा ही हो गया था। मैंने कहा कि मेरे ख़ानदान वाले मेरे पापा जी के काम करते रहते हैं और ये मैं होकर वो तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाए और मेरा रिश्ता किसी और से कर देगी। अभी परेशान हो गया उसने कहा तो कुछ सोचता हूँ मैं। जब उसने ये बात सुनी कि मेरे घर वाले कहते हैं कि सादगी से आए और आकर ले जाए, तो उसने कहा कि ये तो तुम्हारे घर वालों ने बड़ी अच्छी बात कर दी है। पापा को कहता हूँ कि बहरहाल हमें ये सब कहना तो नहीं था, हमारी भी इसमें इज्जत खराब हो रही थी, फिर भी यही कहते कि अगर अब सादगी से ही करना था तो 3 साल इंतज़ार क्यों किया। जब सगाई हुई थी तो कहा गया था कि 3 महीने बाद शादी होगी और अब 3 साल हो गए थे। मेरी दूसरी बहन का रिश्ता आ रहा था और इन लोगों को भी बहुत ही जल्दी थी। अब भी लोग बातें कर रहे थे, कभी सगाई के बाद भी 3 साल तक कोई इतना इंतज़ार करता है भला? बस मेरे ससुर और मेरे होने वाले पति के 2 रिश्तेदार आए थे और मेरी ननन भी थी और शादी की रस्म होने लगी। मेरी ननन बड़ी अजीब किस्म की लड़की थी, ना उसे किसी चीज़ का शौक़ था और ना कुछ उसके भाई की शादी थी, फिर भी ऐसे रूखे तरीके से कपड़े पहनकर चली आई थी, ना चेहरे पर कुछ लगाया और ना मेरे पास बैठी और कोई बात भी नहीं कर रही थी। भगवान माफ़ करे, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो कुंवारी लड़की नहीं बल्कि कोई विधवा है जो हर वक्त शौक मनाती रहती है। कहते हैं ना कि विधवा औरत के रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सिंगार नहीं करना चाहिए। अरे वे तो कुंवारी लड़की थी और फिर उसके भाई की शादी थी। मानो तो उसकी माँ को इस दुनिया से गए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन जाने वाले के साथ कोई चलता नहीं जाता और 3 दिन से ज़्यादा मरने वाले का दुख मनाना भी अजीब सी बात लगती है, क्योंकि हम सबको पहले से ही पता है कि हम सब ने एक दिन मर जाना है। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है जो किसी एक इंसान के साथ होती है और बाकियों के साथ नहीं होती। खैर, राम राम करके ही मेरी शादी ही हो गई थी, जिस तरह से मैं सोचती थी उस तरह से नहीं हुई थी। इस बात का बड़ा दुख हुआ, मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जिनके दिल में अपनी शादी को लेकर बड़े अरमान होते हैं कि मेरा दूल्हा घोड़े पर बैठेगा और मैं ऐसे एंट्री मारूंगी, ऐसा लहंगा पहनूंगी, ये करूंगी वे करूंगी, लेकिन फिर भी शादी इस तरह से हुई थी कि जैसे शादी नहीं बस मुझे लेने के लिए आए हैं, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर सोचा कि घर वाले भी इससे तंग आ गए थे, इतनी बातें सुनाने लगे थे कि लगता है तेरी ही कुंडली में कोई दोष है जो तेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बस अब मैंने सोचा था कि मेरा अपना घर होगा, उसके बाद मैं वहाँ खुश रहूँ या परेशान रहूँ वे मेरा परेशानी होगा। और पर जब मैं इस घर में आई और इस घर की बहू बनी थी, इस घर का एक हिस्सा बन गई थी, मैंने ये बात धीरे धीरे नोट करना शुरू कर दी थी कि इस घर में भी बहुत कुछ अजीब हरकतें होती है। मेरे ससुर का क्या काम करते थे इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। वे कभी कोई काम करते या कभी कोई, मेरी ननन पूरा दिन डरे सहमे घर में ऐसे फिरती रहती जैसे अभी कोई दीवार फांद कर घर में आ जाएगा और घर में जो कुछ भी है वे लूट कर ले जाएगा। मुझसे कोई बात भी नहीं करती थी, बस काम की बातें करती। कभी कभी मैं गुस्सा हो जाती और उसको कुछ कह देती तो आगे से जवाब भी नहीं देती थी वे। घर में जैसे ही ससुर कदम रखती मेरी ननन के चेहरे का रंग उड़ जाता था, अजीब सी हालत में आ जाती थी वे, जैसे डर रही हो। वे मेरे ससुर से जाने क्यों इतना डरती थी, उनके आते ही कमरे में झिली जाती और जो वो कहते बस उस पर हाँ में सर हिलाती रहती। ये किस किस्म की ननन थी? मेरे घर में मेरी सास नहीं थी, उसका तो मेरी सास का किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन ये तो अपनी दुनिया में मशगूल रहती थी। मेरे पति का काम भी ऐसा था कि कभी कभी रात को भी घर से गायब रहते थे। अजीब बोर किस्म के लोग थे, जैसे पता नहीं किस परेशानी से घिरे हुए थे।
उनको किसी बात की खुशी नहीं होती थी और ना ही गम का एहसास होता था। उनके घर कोई नहीं आता था और ना घर में कोई जाता था, ना ये लोग किसी के घर जाते थे। मेरा पति मेरे साथ तो ठीक है, लेकिन वे भी काम की बात करते हैं। उसके बाद एक साइड पर बैठ जाते। मुझे अपने ननद को भी फ़ोन करवाना था, घर में क्या हो रहा है। मुझसे सब ने बताया था कि तुम्हारी सास तो पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। मुझे नहीं पता तुम अभागी हो या खुशकिस्मती, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी अब ठीक चल रही है। जब मैंने पहले सोचा था कि मुझे क्या करना है, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस हालत को देखकर मुझे तरस आता है। मैं क्या करूं, इस फैमिली को पॉलिटिक्स में फंसाना चाहती थी, जबकि ये किसी काबिल नहीं थी। मैं झूठ बोलती क्योंकि वो मान लेती थी। अगर मुझे किसी बात पर गुस्सा भी आ जाता तो वो बोलती भी नहीं थी। मेरी शादी को 2 साल पूरे होने वाले थे, भगवान ने अभी तक कोई औलाद नहीं दी। डॉक्टर से भी चेकअप करवाया था, डॉक्टर ने कहा कोई परेशानी नहीं है, बस कुदरती देर हो रही है। हमें इस बात से कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि अगर मुझ में कोई समस्या नहीं थी तो फिर मुझे इलाज करवाने की क्या ज़रूरत थी। इस तरह दिन गुजर रहे थे। पति अच्छा था, रात को देर से आता था, लेकिन फिर भी 2 घड़ी बैठकर प्यार भरी बातें कर लेता था, तो मेरी दिन भर की थकान उतर जाती थी। जब से मैंने अपने परिवार वालों को बताया था कि मेरी सास गुजर चुकी है, तो वे कहते थे कि फिर तो हमने तुम्हारी शादी अच्छे घर में करवाई है, इसलिए मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा ही था, मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। सास नहीं थी, इसलिए मुझे किसी ने भी ये भी नहीं कहा था कि अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए। किसी ने मुझसे उल्टे सीधे सवाल भी नहीं किए। लेकिन एक बात है कि अगर मेरी सास जिंदा भी होती तो शायद वे इतनी बुरी नहीं होती, क्योंकि मेरी उनसे 2-4 बार मुलाकात हुई थी। वे बहुत ही अच्छी इंसान लग रही थी। अगर होती तो शायद मेरी मदद ही करती, लेकिन अच्छे लोग इस दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। ससुराल वाले तो किसी के भी अच्छे नहीं होते, लेकिन जिसके लिए लड़की अपने लिए सब कुछ छोड़ कर आती है, उसे अच्छा होना ही चाहिए। और मेरा पति मेरे साथ बिल्कुल ठीक था। कभी कभी उससे कहती थी कि तुम्हारे घर वाले बहुत ही अजीब है, तो कहता था कि बस यही है, माँ के जाने के बाद ऐसे हो गए हैं। मेरे ननद की मोहल्ले में कोई सहेली भी नहीं थी और हमारे घर में कोई रिश्तेदार भी नहीं आता था। मैंने सोचा कि इस बिचारी का क्या कसूर है, ऐसे ही पड़ी रहती है। पढ़ाई भी उसने कर ली है, अब उसकी शादी करवा देनी चाहिए। जैसे ही ननन की शादी की बात उठती तो मेरे ससुर जी शोर मचा देते। एक दिन अपने पति से कहा कि आप बात करें, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ तो कहते हैं कि नहीं, अभी हमने इसकी शादी नहीं करनी, 25 साल की हो गई है और कब करनी है इसकी शादी। मुझे देखिए, मेरी शादी को 3 साल आप लोगों ने बर्बाद कर दिए, फिर भी अभी मैं 20 साल की हूँ। लड़कियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है, और अब जब शादी ही करनी है तो फिर घर में बिठाने का मतलब ही क्या है। या तो उसे कोई नौकरी करवानी हो या अभी उसकी पढ़ाई बाकी हो, ना तो वे पढ़ाई कर रही है और ना ही नौकरी, घर में क्यों बिठा के रखा है। हो सकता है वे बेचारी फिर भी शादी करना चाहती हो, तभी तो कहीं खोई खोई रहती है, लेकिन अपनी ज़ुबान से ये सब कुछ बोल नहीं रही हो। अब ज़रूरी तो नहीं कि इंसान हर बात अपने मुंह से बताए, कुछ तो उसके घर वालों को भी एहसास करना चाहिए था। जब उसे नौकरी भी नहीं करवानी, घर का कोई काम भी ठीक से नहीं करती वे, तो फिर उसे घर में क्यों रखा गया है। बेचारी पूरा दिन उदास रहती है। मेरे पति के दिल को ये बात लगी और उसने कहा, मैं बात करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। वे गया तो बात करने था, लेकिन बात से फसाद बन गया। मैं तो आवाज़ें सुनकर ही बाहर आई। मेरे ससुर ने कहा, मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, अपनी बेटी को घर से भेज दूंगा तो मेरा घर सूना हो जाएगा। मेरे पति ने कहा कि सारे लोग अपनी बेटियों की शादी करते हैं, जितनी भी लाडली बेटियां हैं सब एक दिन रुखसत होकर चली ही जाती है। मेरे ससुर ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि दहेज बना सके। मेरे पति ने कहा कि आज भी ऐसे रिश्ते मिलते हैं जिनको दहेज की ज़रूरत नहीं होती, शक्ल सूरत की अच्छी है, हमारी बहन दुबली पतली है, अपनी उम्र से कम लगती है, हो सकता है किसी अच्छी जगह इसका रिश्ता मिल जाए। मेरी पत्नी भी तो बिना दहेज के आई है, इन लोगों में दहेज बनाने की हिम्मत नहीं थी, आपने भी इसके लिए कुछ नहीं बनाया, फिर भी आई है, ये इस घर में आराम से रह रही है, इसको क्या परेशानी है। मेरे ससुर ने बात बदल दी और कहने लगे कि तुम अभी मुझे मत बताओ कि हमने तुम्हारी पत्नी के लिए कुछ किया नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, 2 साल होने को आए, इस घर में औलाद नहीं आई तुम दोनों की,
अगर तुम लोगों को इस घर के होने का एहसास होता तो दोनों के इस बारे में कुछ सोच लेते, लेकिन लगता है आजकल के समझदार पति पत्नी बन गए हो, अभी अपनी ज़िंदगी में बच्चों को नहीं लाना चाहते, चाहे बाप बच्चों की शक्ल देखने के लिए तरस जाए। मैं नोट कर रही थी कि मेरे ससुर बार बार बात को घुमाकर दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जब तुमने एक दफ़ा भी नहीं कहा तो कि उनके पति को पोते पोते का शौक है, आप अपनी बेटी को भी भेज दूँ ताकि घर सुना हो जाए। ससुर ने तो हमें ही ताना दे दिया, जबकि वो जानते थे कि हम दोनों में से किसी को भी कमी नहीं थी। पर ये एक बार की बात नहीं, जैसे ही मैं अपनी ननंद की शादी की बात करती, मेरे ससुर ऐसे तड़पने लगते थे जैसे किसी मछली को रेगिस्तान में फेंक दिया हो। मोहल्ले की औरतें मेरे पास आती थी, पूछती थी इसका रिश्ता क्या है या नहीं, तो जवाब तो मुझे ही देना पड़ता था। खैर, मैं भी इधर उधर के झूठ लगा देती थी कि रिश्ता देखा हुआ है, लड़का बाहर होता है, आ जाएगा तो शादी कर देंगे, और पता नहीं क्या क्या बोलती थी। वे घर के कोई काम नहीं किया करती थी। एक दिन मैं सहन में बैठी कपड़े धो रही थी, जब मेरे ससुर की जेब से एक निहायत ही अजीब चीज़ निकली। उस चीज़ के बारे में मैं अच्छी तरह जानती थी, और मेरे ससुर के साथ इन चीज़ का कोई काम नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरी सास भी हयात नहीं थी। मेरी ननंद ने भी वे चीज़ देख ली, और जब उससे पूछा कि वे क्या चक्कर है, तो कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे गुस्सा आ गया, और चीज़ अपने कमरे में ले आई और अपने पति को दिखाई। मेरे पति ने भी चीज़ मेरे हाथ में देखी तो कहने लगा कि ये क्या तुमने हाथ में पकड़ रखा है, शर्म नहीं आती तुम्हें, फेंको इसको, दिन दहाड़े ऐसी चीज़ें हाथ में पकड़ के कमरे के अंदर आती हो, मुझे पता है आज मेरी छुट्टी है लेकिन मुझे आराम करने दो। मैंने कहा कि शर्म तो आपके पापा जी को नहीं आती, क्योंकि ये आपके पापा जी की जेब से बरामद हुआ है और आप मुझे ही बातें सुना रहे हैं। मेरा पति तो हैरान रह गया और कहने लगा तुम सच बोल रही हो, मजाक तो नहीं कर रही। मैंने कहा कि मैं ऐसी गंदी चीज़ों के साथ गंदे गंदे मजाक क्यों करूँगी भला, आपके पापा जी का ज़रूर कोई चक्कर चल रहा है, तभी तो पूरा दिन घर से गायब रहते हैं और अपने अलावा किसी की परवाह ही नहीं होती, बेटी की शादी तक की परवाह नहीं। बेटी घर में बैठी बूढ़ी हो जाए कोई परेशानी नहीं उनको, अपनी ही मस्ती में लगी है। अब हमारे घर में तो ऐसी चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं है, ना ही हमारे कोई बच्चे है, तो फिर ये गुब्बारा उनकी जेब में क्या कर रहा है। मेरा पति सर पकड़ कर बैठ गया और मेरे सामने शर्मिंदा भी होने लगा, कहने लगा कि क्या करूँ, माँ भी तो इस दुनिया से जल्दी ही चली गई है, वे भी वक्त से पहले, हो सकता है कि उनकी शादी करने का दिल करता हो। तो मैंने कहा कि जवान बेटी घर में बैठी है और बाप को शादी की पड़ी है, चलो ठीक है, करनी है तो करे शादी, लेकिन पहले अपनी बेटी की शादी करवा दे, फिर उसके बाद हम भी ये कहने के काबिल होंगे कि बच्चों की शादियां हो गई है। पापा जी को तन्हाई सताती थी तो कोई उम्र रसीदा बूढ़ी औरत या विधवा औरत ढूँढ कर पापा जी की शादी करवा देंगे, हमें इसमें क्या परेशानी होगी, उनकी अपनी ज़िंदगी है, अभी उनकी उम्र भी है, लेकिन पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवानी चाहिए। मेरे पति ने पूछा कि तुम्हारी नज़र में कोई लड़का है, तो मैंने कहा कि हाँ, मेरा एक कज़िन है, मेरे चाचा का बेटा है, वो बहुत ही अच्छा है, उसकी कपड़ों की दुकान है और घर भी उनका अपना है, मैं उसे आधी ज़ुबान से कह दूँगी तो वह बात कभी भी रद्द नहीं करेगा और आराम से रिश्ता करवा देगी। मेरे पति ने कहा कि कल हम दोनों उनके घर चलते हैं ताकि मैं लड़के को देख लूँ, फिर मैं पापा जी से बात करूँगा, अगर उन्होंने हाँ कर दी तो वे भी इनकार नहीं करेंगे और शादी करवा देंगे। मैंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा सोचा आपने। अगले दिन मैं और मेरे पति मेरे कज़िन के घर जाने वाले थे, मैंने उन्हें कॉल कर दिया था, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, आप लोग हमारे घर दावत के लिए आइए। मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ननंद को भी साथ ले चलूं, उनकी नज़र में लड़का आ जाएगा, फिर जब उनसे बात करेंगे तो उन्हें पता ही होगा कि किस लड़की की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। मेरे पति ने कहा कि तुम तो बहुत ही समझदार हो। मैंने कहा कि मैं तो हूँ ही समझदार, और मुस्कुराते हुए कहा, दिल ही दिल में मैं खुश भी हो रही थी कि उनकी शादी हो जाएगी, अच्छी बात है, मुझे इससे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ये बात भी मेरे हक में ठीक है, फिर सारा मेरा घर हो जाएगा। मेरा पति ने कहा कि तुम लोग शाम में तैयार रहना, मैं रिक्शा लेकर आऊँगा। फिर हम तीनों चले गए। मैंने अपनी ननद से कहा कि तैयार हो जाओ, उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाना, पापा जाने नहीं देंगे।
मैंने कहा कि क्यों नहीं जाने देंगे, क्या किसी बाहरी के साथ जा रही हो, अपने भाई और भाभी के साथ जा रही हो, चलो तैयार हो जाओ। वे बहुत ही ज़िद कर रही थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी, और वो तैयार ही नहीं हो रही थी। जैसे तैयार हो जाएगी तो ससुर आकर उसके हाथ तोड़ देंगे। फिर मुश्किल से उसे तैयार कराया, दोनों तैयार होकर हम बाहर बैठने लगे, क्योंकि मेरे पति रिक्शा लेने गए थे। मेरे पति घर में दाखिल हुए और ससुर भी आ गए। उन्होंने हम दोनों को देखकर पूछा कि कहीं कहाँ की तैयारी है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग। मैंने बताया कि दावत है चाचा के घर, वहाँ जा रहे हैं और ननंद को भी साथ ले जा रहे हैं। ससुर ने कहा कि वे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मेरे पति ने कहा कि क्यों नहीं जाएगी, जाने दो, उसे पूरा दिन कमरे में बैठी रहती है, बेचारी सर्दी में रहती है, हमारे साथ जाएगी तो दिल बहर जाएगा। पापा जी ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं जाएगी ये। मेरे ससुर ने ननंद का हाथ पकड़ा और उसे घसीट कर अपनी ओर ले लिया और कहा कि जाओ कमरे में चली जाओ। उसने भी कुछ नहीं कहा कि मुझे जाना है, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैंने उसकी ओर देखा और उसने भी अजीब सी शक्ल बनाई। पति ने मुझसे कहा कि तुम तो आ जाओ, रास्ते में हम बातें करेंगे कि अगर उसे साथ भेज देती तो क्या हो जाता। मेरे पति ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे पति ने कहा कि हमारी बेटी नहीं है, इसलिए उसकी ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षा करते हैं, क्योंकि वह हमारे पापा जी के दोस्त की बेटी है। मैंने पति से पूछा कि दोस्त की बेटी का क्या मतलब, आपने तो मुझे ये बात कभी नहीं बताई। मेरे पति ने कहा कि नहीं बताई, बस ऐसी बातें जितने कम लोगों को पता हो उतना ही अच्छा होता है। ननंद और भाभी में कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं और तुम उसे इस बात का ताना दे देती तो उसका दिल टूट जाता। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये बात बताए कि ये किसकी बेटी है। वैसे मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि किसी को उसकी मजबूरी के ताने दूँ। मेरे पति ने कहा कि पापा का एक बहुत ही पुराना दोस्त था, उसकी बेटी है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं था और ये उसकी जवान बेटी थी। पापा मुंबई जाते थे काम के सिलसिले में, तो उसी के पास रहती थी वे। एक दिन वापस आए तो इसे साथ ले आए थे। उसका बाप इस दुनिया से चला गया और इसे हमारे हवाले कर गया। उस समय मेरी तुमसे सगाई हो चुकी थी, नहीं तो मेरी शादी इसी से करवा देते ताकि ये हमारे घर में ही रहती। लेकिन मैंने उसके बाद से इसे बहन की नज़रों से देखा है और बहन ही समझा। पापा इसीलिए उसका ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, कहीं कल को उसकी शादी किसी गलत इंसान से हो गई तो फिर मरने के बाद उसके बाप को क्या जवाब देंगे। तभी तो मेरी ननंद मेरे ससुर से इतनी डरती थी, उसकी उनकी किसी बात से इनकार नहीं करती थी, उनके सामने कोई बात नहीं बोलती थी और उन्हें घर में आता देखकर परेशान भी हो जाती थी, जैसे इधर उधर करना शुरू कर देती थी, चीज़ें इधर उधर करना शुरू कर देती थी। मेरी नन की शक्ल ऐसी हो गई थी कि रात भर जागती थी, आंखों के नीचे हल्के काले गड्ढे बन गए थे। शायद अपनी माँ को याद करके वे बेचारी रात भर रोती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कुछ और ही सोचने पर मजबूर हो गई। मेरी ननंद कोई काम भी ठीक से नहीं करती थी, हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उसे किसी काम को कहने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि वह उसे नापाकी ही करती थी। एक दिन जब मैं ननंद का कमरा साफ कर रही थी, मैंने उसके बिस्तर पर एक ऐसी चीज़ पाई कि मेरे कदम तले ज़मीन निकल गई। वे चीज़ थी जो मेरे ससुर की जेब से मिली थी और अब ये मेरी ननंद के बिस्तर पर पड़ी थी। मैंने कान पर हाथ लगा लिया, कुछ तो गड़बड़ थी। और फिर मैंने अपने ससुर के कमरे में जाकर देखा, वहाँ भी वही चीज़ मिली। ये क्या हो रहा था, मेरे पति को शायद बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। लेकिन मर्दों से बात करने से पहले मुझे ये बात अपनी ननंद से करनी थी, वे मुझे बता सकती थी। मैंने वे चीज़ उसे दिखाई और कहा कि तुम्हारे कमरे से ये चीज़ मिली है, अब मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। आधी बात तो मुझे पता चल गई है, अब बाकी की भी बताओ, नहीं तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी ननंद पहले ही डरी हुई थी, मैंने भी उसे गुस्सा कर दिया। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मुझे उससे प्यार से बात करनी चाहिए। मैंने कहा कि देखो, अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ इस घर में क्या हो रहा है, बताओ तुम क्यों रो रही हो। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं बता सकती, दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे कान में बात बताओ जो तुम्हारे दिल में है, और अगर नहीं कह सकती तो लिख कर बता दो,
वे बहुत ही डर गई थी, किसी बात पर नहीं आ रही थी, लेकिन आखिरकार उसने बता ही दिया। उसने मेरे कान में ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ऐसी बात बताएगी, मेरी ज़ुबान से कुछ भी नहीं निकल रहा था। मैं हैरान रह गई थी, मेरे पति भी हैरान थे जो इसे इस घर में रहते हुए इस बात की खबर तक नहीं थी। लेकिन मैं पूरा दिन घर पर रहता नहीं था, सुबह जाता और रात को आता था, और छुट्टी के दिनों में तो पूरा दिन अपने कमरे में सोकर ही गुजारते थे। उसने मुझे बताया कि लड़की ने अपनी बहन को नहीं देखा, इसलिए मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, क्योंकि मेरे लिए तो यही हो रही थी कि वैसे ही वो डरती रहती है, इसलिए मैं भी उससे ज़्यादा बाहर नहीं कर सकती थी, इसलिए ज़्यादा मैं उससे बात नहीं करती थी, कोई काम भी नहीं करवाना चाहती थी। जब तक मुझे मेरी ज़िंदगी में नहीं आई थी, खुद ही कर लेती थी या फिर मेरी मना कर देती थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर वह अपने कमरे में गई और उसने मुझे एक कागज़ का टुकड़ा दिया और उसने कहा कि ये सारी हकीकत का सबूत है, इसके बिना तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने अपने आंसू साफ़ किए और फिर उसके आंसू भी साफ़ करके कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। शाम को मेरे पति आए तो मैंने कहा कि मुझे बाहर जाना है खाना खाने के लिए। मेरे पति कहने लगे कि खाना घर में बना है, फिर बाहर खाने की क्या ज़रूरत है, बिरयानी बनी है। मैंने पति को आँखों का इशारे से किया और कहा कि मुझे बाहर ले चलो, मुझे बाहर खाना खाना है। वे मुझे घर से बाहर ले गया और हम एक होटल में बैठ गए। वहाँ मैंने अपने पति को सारी आराम से और सुकून से हरफ दरफ सारी बात बता दी। वे चिल्ला नहीं सकता क्योंकि ये सार्वजनिक जगह थी, लेकिन आखिरकार उसने मुझे गुस्से से कहा कि तुम मेरे पिता पर इल्ज़ाम लगा रही हो। आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब मैंने अपने पिता से कहा कि उनकी दूसरी शादी करवा देते हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया। जब औलाद खुद बाप की शादी कराने का कहे फिर भी बाप इनकार कर दे, ऐसा होता है क्या? मेरे पिता बहुत ही नेक इंसान हैं। मैंने वे कागज़ का टुकड़ा अपने पति के सामने रख दिया और कहा कि ये देखो अपने पिता की नियत। वे डॉक्टर की रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक मेरी ननद का अबॉर्शन करवाया गया था, और अबॉर्शन करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर थे। पति के खाने में उसी का नाम लिखा था और तब मेरे पति हैरान रह गए। फिर मैंने सारी बात बताई। मैंने कहा कि आपके वाली साहब इस लड़की को लेकर आए थे ज़रूर, लेकिन बेटी बनाकर नहीं बल्कि पत्नी बनाकर। वे इस लड़की से शादी करके लाए थे और उनकी शादी हुई, लेकिन आपसे ये बात छुपा रहे थे, और ये लड़की पहले दिन से ही उनसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वे उन्हें अपने पिता की जगह समझती थी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इस लड़की के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, इतना बुरा कि वे बेचारी आधी पागल हो गई है, जो कुछ भी बोलती ही नहीं, और मुझे लगता है कि उन्होंने इससे शादी भी धोखे से की है। उसके मरते हुए पिता के सामने यही कहा कि अपनी बेटी बना कर रखूँगा, लेकिन बाद में नियत ख़राब हो गई और उससे शादी करके इसे अपने साथ ले आए। मेरे पति हैरान रह गए और मैं भी बहुत ही दुखी थी। मैंने कहा कि आपके पिता ने इसे धोखा से शादी की और अब इसे बहुत ही मारते भी है, वे औलाद नहीं चाहते क्योंकि फिर लोगों को पता चल जाएगा इस बेचारी का दो बार अबॉर्शन करवा चुके हैं। इस तरह के इंसान हैं आपके पिता, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती, पर अब आप जाने और आपके काम जाने, लेकिन इस लड़की की मदद करें, वे बेचारी बहुत ही तकलीफ़ में है। मेरे पति ने एक शब्द भी नहीं कहा, चुपचाप जैसे गुस्से में थे। अगले दिन उसने मेरे ससुर की परवाह किए बिना पावर्ती को घर से बाहर निकाल दिया और मुझे भी लेकर वही होटल में वापस आए। वे हमारे सामने बैठी थी और मेरे पति ने कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है और अगर तुम मुझे पहले ही बताती तो तुम्हारी मदद कर सकता। देखो तुम्हारे पास आखिरी मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। मुझे सिर्फ एक लाइन में साफ साफ बताओ कि क्या तुम इस शख्स के साथ रहना चाहती हो या नहीं, बस मुझे इतना बता दो, फिर मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उसने कहा कि ये शख्स मेरे बच्चों का कातिल है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मेरे पति ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि अब हम सब कुछ संभाल लेंगे। मेरे पति ने पावर्ती को मेरे हवाले किया कि जब तक ये परेशानी चल रही है तुम्हें अपने कमरे में रखना है, मैं बाहर सो जाऊँगा, इसे ससुर के पास बिल्कुल नहीं जाने दूँगा, कहीं वे फिर से इसके ऊपर हाथ ना उठा ले। और मेरे पति ने मेरे ससुर को सब कुछ बता दिया, वे भी हैरान रह गए। बाबा ने कहा कि हम लोग पावर्ती की तरफ से आपके खिलाफ केस दायर करेंगे अगर आप खुद ही इसे तलाक दे दें
तो आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी, वरना ये बात सारे परिवार को पता चल जाएगी। मेरे ससुर ने हरधर्मी पर उतरते हुए कहा कि कर लो जो करना है। मेरे पति ने पावर्ती की मदद की और तलाक का केस दायर कर दिया। जब लड़की ने कह दिया कि वे इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर किसी बात का जायज़ नहीं बनता था। दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया। लड़की ने बताया कि उसका एक मामा है, मुझे उसके घर छोड़ाओ। मामा भी बहुत ही बूढ़ा था, लेकिन इस घर में एक मामा का दोस्त था जिसकी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। वहीं पर बैठकर हमने मशवरा किया और पावर्ती की शादी उसके मामा के दोस्त से करवा दी। उसके मामा ने उसे गले लगा लिया और अपनी बहन की आखिरी निशानी समझकर रोने लगी। उसका दोस्त भी अच्छा इंसान लगता था, क्योंकि पावर्ती का मामा अकेला रहता था तो उसका दोस्त उसके लिए खाना बनाता था और उसका ख्याल रखता था। इसका मतलब वह बुरा आदमी नहीं था। अब पावर्ती वहीं पर रहती है और खुशियां भरी ज़िंदगी गुजार रही है। मेरे ससुर घर में ही रहते हैं और हमें निगाहों से देखते रहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमने उनकी ज़िंदगी से इतने सारे मज़े ख़त्म कर दिए। लेकिन मेरे पति भी अब उनकी इज्जत नहीं करते, कहते हैं कि वे घर भी मेरे नाम कर दे और आप अपने आखिरी सफ़र की तैयारी करें। शायद आपके गम में ही मेरी माँ दुनिया से चली गई है, वरना भी उनकी उम्र ही क्या थी। बस यही ज़िंदगी है, इसमें कुछ नहीं होता। भगवान से यही प्रार्थना है कि हर लड़की की इज्जत बनी रहे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।